प्रेम प्रसंग के चलते युवक को तारा मौत के घाट, प्रेमिका ने घर बुलाया था। आरोप प्रेमिका के परिजनों ने फांसी पर लटकाया एसपी से शिकायत। शिवपुरी जिले के अमोला थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम दीवट में एक युवक को फांसी के फंदे पर लटकाने का मामला सामने आया है। परिजनों ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक को फांसी के फंदे पर लटकाया गया है। जानकारी के अनुसार रविंद्र गुर्जर पुत्र विशाल सिंह गुर्जर निवासी ग्राम दीवट थाना अमोला ने एसपी से शिकायत करते हुए बताया कि उसका भाई पुष्पेंद्र गुर्जर 21 तारीख सुबह 9 बजे से घर से निकला था। इसके बाद पुष्पेंद्र का 11 बजे चाचा के लड़के संदीप गुर्जर के पास फोन आया कि मोहन सिंह व उसके परिवार के लोग उसे मार रहे हैं। इसके बाद जब परिजन मोहन सिंह गुर्जर के घर पर गए तो घर पर कोई नहीं मिला, सभी खेत पर थे। मोहन सिंह के खेत पर जाकर जब उनसे पूछा गया कि पुष्पेंद्र कहाँ है तो वो लोग बोले कि हमें 3 माह से पुष्पेंद्र नहीं मिला। इसके बाद अपने भाई को ढूंढने का प्रयास किया लेकिन देर रात तक उसकी कोई भी सूचना नहीं मिली। वहीं 23 तारीख को पुष्पेंद्र की सूचना मिली कि वे संस्कर कुआ के जंगल में रोड किनारे गमछे से पेड़ पर लटका हुआ है। रविंद्र गुर्जर ने भाई पुष्पेंद्र की हत्या के आरोप लगाते हुए कहा कि मोहन सिंह पुत्र बन्ना गुर्जर, कल्ली बल्ला पुत्र मोहन सिंह गुर्जर, चाचा लखन पुत्र पन्नालाल गुर्जर निवासी ग्राम दीवट, मामा का लड़का रामबीर सत्येंद्र पुत्रगढ़ मोहर सिंह गुर्जर निवासी गढ़ गांव खरमई ताना अमला ने हत्या कर पेड़ से लटकाया है। रविंद्र ने बताया कि मोहन सिंह की पुत्री के साथ प्रेम प्रसंग पुष्पेंद्र का चल रहा था, इसी के चलते उसकी हत्या कर उसे पेड़ से लटकाया गया है। सभी आरोपियों पर कार्रवाई की उचित मांग की। क्या नाम है आपका भैया? रविंद्र गुर्जर नाम है भैया। रविंद्र गुर्जर कहाँ से आए हो? दीवट से। क्या मामला है? मर्डर हुआ है भाई जी। अच्छा, किसका मर्डर हुआ है? भाई का। तो क्या क्या आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो दोषी हैं उनको दंड दिया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। किसने किया मर्डर? गाँव के ही है, मोहन सिंह गुर्जर लखन बल्ला कल्ली और दीवट के। कौन से थाने में लगता है? अमोला थाने में। क्या वहाँ कार्रवाई नहीं हुई? पहले गए नहीं क्या उनके? गए थे सर, वहाँ से हमें 7 दिन हो गए, कोई आश्वासन ही नहीं मिला। मर्डर किस बात को लेकर किया? लड़की का और लड़की का प्रेम प्रसंग का मतलब दोस्ती थी उनकी। तो लड़की ने फोन लगा के उसको घर बुलवाया, घर बुलवा के फिर उन्हें पकड़ा और पकड़ने के बाद में उसका पकड़ा जब उसका तो 11 बजे फोन आया, उसने बताया कि भाई साहब चाचा के लड़के को फोन लगा के भाई साहब को बोल देना ये मुझे मार रहे हैं। हम उसके घर गए तो घर तो कोई नहीं मिला, हम खेत पर गए तो वो लोग खेत पर थे। हमने पूछा कि भैया पुष्पेंद्र का ऐसे फ़ोन आया था तो बोला मुझे 3 माह से नहीं मिला। और जबकि उसी दिन वीडियो में जो वीडियो वायरल भई है उसी दिन उसके घर पे था, उसी वीडियो में लड़की के साथ। बस हम उसको ढूंढने में लगे रहे, वो रात को 10 बजे चले तो उसी मतलब 11 बजे उसने बताया और 3 बजे के टाइम उसी के मोबाइल से ये वीडियो वायरल कर दी उसी की, जो प्रेम प्रसंग वाली। उसके बाद में 10 बजे गए वो, उनके नाम से FIR करवा दी उसी लड़की के जो ख़त्म हो गया, वो एक चाचा का लड़का और लगा दिया उसमें। बस उसके बाद में हमने दिन में ढूंढा उसको, ढूंढने के बाद में वो हमें नहीं मिला, हमने बहुत कोशिश की। उसके बाद में जो 23 तारीख को सुबह फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। अच्छा, कितने लोगों ने मिलकर उसका मर्डर किया है? 7-8 लोग हैं सर, 8 लोग। अभी आप एसपी ऑफिस में आए, क्या आश्वासन क्या दिए? मतलब आश्वासन क्या दिया? सर ने बोला है कि जो होगा वो जांच आ जाएगी, PM रिपोर्ट, उसके बाद में उसकी कार्रवाई होगी। संतुष्टि कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे? फिर आएंगे सर, और क्या करेंगे।